ओम ज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सारजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्यदेशतारिणे वंचाकल्पतरु कृपा सिंधो हरिदाना पावन वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 24। नमस्तस्मै भगवते नमस्तस्यै भगवते वासुदेवाय वेदसे वासुदेवाय वेदसे पपुर्ज्ञानम् अयम् सौम्या पपुर्ज्ञानम् अयम् सौम्या जन्मुकाम् अमृहावसवन् जन्मुकाम् अमृहावसवन्। ट्रांसलेशन। आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंसेस अंटु श्रीला व्यास देव the incarnation of Vasudev who compiled the Vedic scriptures. The pure devotees drink up the nectarian transcendental knowledge dropping from the lotus-like mouth of the Lord. तो यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देने से पहले भगवान को प्रणाम अर्पण करते हैं, ब्रह्मा जी को याद करते हैं और यहाँ पे व्यासदेव को प्रणाम अर्पण कर रहे हैं। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। तो वही वासुदेव कृष्ण व्यासदेव के रूप में आते हैं और वैदिक शास्त्र का रचना करते हैं और यहाँ पे बता रहे हैं यन मुका अम्बरुह आसवन। जो भक्त हैं कृष्ण के मुख से आया हुआ जो अमृत है वो पान करते हैं अपने कानों के माध्यम से। जो गीता है भगवत गीता भगवान का गीत है भगवान का अमृत है तो वो स्वीकार करते हैं कानों के माध्यम से। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्रों का नाम है श्रुति। श्रुति का मतलब है कानों के माध्यम से सुनो। तो ये अमृत जो है कानों के माध्यम से पान होता है। परपोट इन परशुवंस ऑफ द स्पेसिफिक अटरेंस वेद से और द कंपाइलर ऑफ द सिस्टम ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज श्रीला श्रीधर स्वामी हैज कमेंटेड that the respectful obeisances are offered to Srila Vyasadev who is the incarnation of Vasudev. हालांकि यहाँ पे व्यासदेव का नाम नहीं आ रहा है, नाम आ रहा है नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे। पर श्रीधर स्वामी जो भागवत के ऊपर टीका लिखते हैं जो महान आचार्य वो बताते हैं वेदसे का मतलब है जो अवतार जिन्होंने वेद की रचना की। तो इसका मतलब है ये व्यासदेव है। Srila Jiva Goswami has agreed to this, but Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has made a further advance, namely that the nectar from the mouth of Lord Krishna is transferred to his different consorts and thus they learn the finer arts of music, dance, dressing, decorations and all such things which are relished by the Lord. So, Sridhar Swami and Jiva Goswami tell us that Vedasai means Vyasadeva. पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमेशा माधुर्य रस में रहते हैं वो बताते हैं यहाँ पे वेद से का मतलब है कि कृष्ण ने ये ज्ञान
अपने पत्नियों को, अपने शक्तियों को दिया है, और ये जो पत्नियां हैं, जो गोपियां हैं, अलग अलग कला सीखते हैं. सच म्यूजिक डांस एंड डेकोरेशंस एंजॉयड बाय द लॉर्ड आर सर्टनली नॉट एनीथिंग मंडेन बिकॉज द लॉर्ड इज एड्रेस्ड इन द वेरी बिगिनिंग एज परा और ट्रांसेंडेंटल. इसलिए भगवान का जो संबंधित कुछ भी चीज है, नृत्य है, गीत है, श्रृंगार है, वो सब आध्यात्मिक है. इसलिए भगवान का आराधना करते हुए परा का शब्द आता है. परा का मतलब है ट्रांसेंडेंटल, दिव्य. दिस ट्रांसेंडेंटल नॉलेज इज अननोन टू द फॉरगॉटन कंडीशन सोल्स. तो ये जो दिव्य ज्ञान है, ये दुनिया के जो जीव हैं वो भूल गए हैं ये संबंध ज्ञान को. तो इसलिए वेद लिखे गए हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, ताकि हम फिर से जो भूले गए ज्ञान है वो याद कर सके. नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवणादि शुद्ध चित्त करिय उदय. तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि ये जो कृष्ण प्रेम है, कृष्ण के प्रति जो ज्ञान है, वो ऑलरेडी हमारे हृदय में है, पर हम भूल चुके हैं. इसलिए श्रवणादि शुद्ध चित्त, इसलिए जब हम श्रवण करेंगे शास्त्रों का, तभी यह ज्ञान वापस विकसित होगा. श्रील व्यासदेव, हु इज द इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड, थस कंपाइल्ड द वैदिक लिटरेचर्स टू रिवाइव द लॉस्ट मेमोरी ऑफ द कंडीशन सोल्स अबाउट देयर इटर्नल रिलेशन विद द लॉर्ड. इसलिए व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं, फिर से वेद की रचना करते हैं और बाकी आचार्य आके शास्त्र लिखते हैं. एक ही कारण है, जो भूला हुआ संबंध है उसको वापस याद दिलाना. जैसे एक स्थान पे हम जाके आए थे 10 साल पहले 20 साल पहले, वो स्थान के बारे में हम भूल गए होंगे, पर वापस जाने से धीरे धीरे वो स्थान के बारे में याद आता है. अरे मैं यहाँ पे आया था, यहाँ पे मैंने एक फोटो निकाला था, धीरे धीरे याद आता है. तो वैसे ही भगवान के साथ संबंध हमारा है, पर हम भूल चुके हैं. वो संबंध को वापस स्थापित करने के लिए शास्त्र है. तो इसलिए वैदिक ग्रंथों में ये तीन विभाजन है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन. तो एक ज्ञान है संबंध का, बताते हैं कि हम जीव हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, हम भगवान के दास हैं. अगला है अभिधेय, वो संबंध को वापस कैसे स्थापना करना है, वो अभिधेय है. और फाइनली प्रयोजन, अल्टीमेट वो जब स्थापित होगा वो संबंध, तब भगवान के साथ क्या हमारा रस का आस्वादन होगा. तो इसलिए व्यासदेव ने ये सब शास्त्रों की रचना की. वन शुड देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैदिक स्क्रिप्चर्स और द नेक्टर ट्रांसफर्ड बाय द लॉर्ड टू हिज कॉन्सर्ट्स इन द कॉन्जुगल ह्यूमर फ्रॉम द लोटस लाइक माउथ ऑफ व्यासदेव और शुकदेव. इसलिए भगवान ने ये जो ज्ञान दिया है अपने शक्तियों को, वो ज्ञान हमको उपलब्ध करना है परंपरा के माध्यम से, व्यासदेव या शुकदेव गोस्वामी. बाय ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज वन कैन राइज टू द स्टेज ऑफ द ट्रांसेंडेंटल आर्ट्स ऑफ म्यूजिक डांस डिस्प्लेड बाय द लॉर्ड इन हिज रास लीला. तो इस तरह से जब हम ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, संबंध ज्ञान और अभिधेय ज्ञान, भक्ति के मार्ग के बारे में, भजन क्रिया के बारे में, तो धीरे धीरे हमारा भगवान के साथ रस क्या है वो समझ में आएगा. शांत रस है, दास्य रस है, सत्य रस है, और एक्चुअली ये रसों में हम भाग ले सकते हैं भगवान की रास लीला में, भगवान के साथ लीला हम भी कर सकते हैं. बट विदाउट हैविंग वैदिक नॉलेज वन कैन हार्डली अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ लॉर्ड्स रसा डांस एंड म्यूजिक. इसलिए हालांकि भगवान का जो रस डांस है, रस लीला है, ऐसा लगता है कि लड़का लड़की के बीच में नृत्य है, गीत है, पर ये समझने के लिए, ये लीला समझने के लिए शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे. तो इसलिए ये रासलीला भागवतम के 10वें स्कंद में आता है. वहां तक पहुंचने के लिए ये सब तत्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. द प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हाउएवर कैन इक्वली रिलिश द नेक्टर इन द फॉर्म ऑफ प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल डिस्कोर्सेस एंड द फॉर्म ऑफ किसिंग बाय द लॉर्ड इन द रसा डांस एज देयर इज नो मंडेन डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू. इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं, जितना उनको उत्साह आता है भगवान वृंदावन के लीलाओं के बारे में बताने का, भगवान के रास लीला के बारे में बताने का, उतना ही उत्साह भक्तों का आता है फिलोसॉफी
डिस्कस करने के लिए, क्रिएशन के बारे में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि भक्त जानते हैं कि दोनों अभिन्न हैं, क्योंकि भगवान के संबंधित हैं। तो ऐसा नहीं कि कृष्ण कुरुक्षेत्र का कृष्ण अलग है, वृंदावन के कृष्ण अलग हैं, वही कृष्ण है। तो इसलिए हम कृष्ण की कौन सा भी लीला सुनेंगे वो सब दिव्य है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत उत्साह के साथ अभी सृष्टि के निर्माण के बारे में बता रहे हैं, और वही उत्साह के साथ भगवान कृष्ण के वृंदावन लीला के बारे में वर्णन करते हैं। तो ये भागवतम का अंतिम श्लोक है, टेक्स्ट 25, ये अध्याय का अंतिम श्लोक है। एतद् एवात्म भूराजन् नारदाया विपृच्छते वेद गर्भो व्यादात् साक्षात् यदाह हरिरात्मना। ट्रांसलेशन: माय डियर किंग, ब्रह्मा द फर्स्ट बॉर्न ऑन बीइंग क्वेश्चन्ड बाय नारद एग्जैक्टली अप्रेस्ड हिम ऑन दिस सब्जेक्ट as it was directly spoken by the Lord to his own son, who was impregnated by Vedic knowledge from his very birth. तो यहाँ पे अगले अध्याय से एक्चुअली उत्तर देना शुरू करेंगे सुखदेव गोस्वामी। महाराज परीक्षित का प्रश्न था कि भगवान सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, कैसे अपने शक्तियों के साथ सृष्टि का निर्माण करते हैं। अभी ये अध्याय का अंतिम श्लोक है, तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे आपने मुझे प्रश्न पूछा है वही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा को पूछा है, तो अभी मैं उत्तर दूंगा। ब्रह्मा को ये ज्ञान कैसे मिला और ब्रह्मा ने ये ज्ञान नारद मुनि को कैसे दिया, वही मैं आपको वर्णन करूंगा। तो ये भागवतम है, बहुत बार आप देखेंगे भागवतम में जब भी कोई प्रश्न पूछता है वो बोलता है यही प्रश्न ये भक्त ने इससे पूछा था, तो मैं वो कोट करूंगा। तो ये परंपरा है कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महान आचार्य भी वो नहीं बोलते ब्रह्मा को भूल जाओ, व्यासदेव को भूल जाओ, मैं अपना स्वयं का उत्तर बताता हूं, यूनिक आंसर नहीं। तो ये महानता है जब कोई एक भक्त को बोलता है आप जो बोल रहे हैं आपके गुरु वैसे ही बोलते हैं, आप नया क्या बोल रहे हैं, वही चीज रिपीट कर रहे हो। तो ये शिष्य का गुणगान है, क्यों? क्योंकि वो गुरु जैसा बोल रहे हैं, एज इट इज रिपीट कर रहे हैं। परपोट: एज सून एज ब्रह्मा वॉज बॉर्न फ्रॉम द एब्डोमिनल लोटस पेटल्स ऑफ विष्णु ही वॉज इम्प्रेग्नेटेड विद वेदिक नॉलेज एंड देयर फोर ही इज नोन एज वेद गर्भ और वेदांत फ्रॉम द एम्ब्रियो। बहुत सुंदर है, जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है विष्णु के नाभि से, और जन्म होते ही भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, वेद का ज्ञान। इसलिए ब्रह्मा जी का एक नाम है वेद गर्भ, गर्भ में ही उनको वेद का ज्ञान मिलता है। वेदांत फ्रॉम द एम्ब्रियो, गर्भ में ही वेद का पूरा ज्ञान है, वेदांत समझ गए हो। तो ये ब्रह्मा जी की महानता है और ये हमारा परंपरा का महानता है कि जैसे वैशाषिका प्रभु ने एक पुस्तक लिखा है, शिला प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य है, फैमिली बिजनेस करके कैसे शिला प्रभुपाद के मिशन में इस्कॉन में पुस्तक वितरण करना, पुस्तक पढ़ना हमारा सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। तो वहाँ पे वो लिखते हैं कि आप हमारा परंपरा पढ़ेंगे, हमारा ब्रह्म मध्व गौड़ीय परंपरा है, ब्रह्मा जी जो पहले आचार्य है उनका चित्र देखेंगे, उनके हाथ में वेद रहता है पुस्तक। तो इसलिए ब्रह्मा जी से लेके नारद मुनि व्यास जितने भी आचार्य हुए हैं उन सब का महत्व रहा है पुस्तक, इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग नॉलेज, ये ज्ञान समझना, दूसरों को समझाना। विदाउट वैदिक नॉलेज और परफेक्ट इनफैलिबल नॉलेज नो वन कैन क्रिएट एनीथिंग। वेद के ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति कुछ भी चीज़ का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए वेद के अलग अलग अंग है, उपवेद में आयुर्वेद, शिल्प शास्त्र, इतने सारे शास्त्र हैं वेद में, क्योंकि ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, वेद का अलावा और कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं है। ऑल साइंटिफिक नॉलेज एंड परफेक्ट नॉलेज आर वेदिक। तो जितने भी ये दुनिया में शास्त्र है, धनुर्विद्या है, शिल्प शास्त्र है, कुछ भी शास्त्र है, वो सब शास्त्र, सब ज्ञान वेद में ही है।
one can get all types of information from the Vedas, and as such, Brahma was impregnated with all perfect knowledge, so it was possible for him to create. तो वेद में जितने भी ज्ञान है वो सब ज्ञान मिलेंगे, आध्यात्मिक ही नहीं भौतिक ज्ञान भी वेद में मिलेंगे. इसलिए सृष्टि के शुरुआत में भगवान ने ब्रह्मा को ये ज्ञान दिया ताकि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर सके. Thus, Brahma knew the perfect description of creation as it was exactly appraised to him by the Supreme Lord Hari. तो कोई पूछेगा, परीक्षित अभी सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ. सृष्टि के निर्माण के समय सुखदेव गोस्वामी तो नहीं थे, परीक्षित भी नहीं थे, तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी कोट कर रहे हैं ब्रह्मा जी का उदाहरण, क्योंकि पहले जीव ब्रह्मा जी हैं इस दुनिया में, और वो ज्ञान सृष्टि के निर्माण का भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया. इसलिए ये जो ज्ञान ब्रह्मा जी अपने शिष्य को देते हैं वही एपिसोड, वही जो क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर है, सुखदेव गोस्वामी कोट कर रहे हैं. Brahma, on being questioned by Narad, told Narad exactly what he had heard from the Lord. तो नारद में आके ब्रह्मा को पूछते हैं सृष्टि का निर्माण कैसा होता है, तो ब्रह्मा जी जैसे भगवान बोलते हैं एज इट इज नारद मुनि को ब्रह्मा बोलते हैं, वो भी वर्णन आता है आगे के अध्यायों में एज इट इज. तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सप्लेन्ड एग्जैक्टली वॉट यू हर्ड फ्रॉम द लॉर्ड. तो ये परंपरा है, यहां नहीं वहां नहीं, एज इट इज बींग लॉयल टू द मैसेज. नारद मुनि अगेन टोल्ड एग्जैक्टली द सेम थिंग टू व्यासदेव, एंड व्यासदेव टोल्ड सुखदेव गोस्वामी एग्जैक्टली वॉट ही हर्ड फ्रॉम नारद. तो प्रभुपाद बार बार ये शब्द यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली. तो एग्जैक्टली का मतलब है एज इट इज, कुछ मिलावट नहीं, 100% प्योर गोल्ड, 100% शुद्ध दूध, कुछ मिलावट नहीं, कुछ केमिकल नहीं. तो जैसे भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं, ब्रह्मा जी एज इट इज नारद मुनि को बताते हैं, और नारद मुनि एज इट इज और सुखदेव गोस्वामी जैसे उन्होंने ये ज्ञान सुना है ब्रह्मा और नारद का, एज इट इज अभी परीक्षित को बता रहे हैं. एंड सुखदेव वॉज गोइंग टू रिपीट द सेम स्टेटमेंट्स एज ही हर्ड फ्रॉम व्यासदेव. तो ये परंपरा है, दैट इज द वे ऑफ वैदिक अंडरस्टैंडिंग. भगवान ब्रह्मा जी को बताते हैं, ब्रह्मा जी नारद, नारद व्यास, व्यास अभी परीक्षित को, ये परंपरा सिस्टम है. द लैंग्वेज ऑफ द वेदास कैन बी रिवील्ड ओनली बाय द अबव मेंशन्ड डिसिप्लिन सक्सेशन एंड नॉट अदरवाइज. तो वेद का जो ज्ञान है संस्कृत पढ़ने से समझ में नहीं आएगा. तो ये जो रहस्य है इसको समझ में आएगा, भक्तो सीमे सका चेति रहस्यम एतद उत्तमम. जो भक्त परंपरा में आए हैं वही ये रहस्य समझ सकते हैं. इसलिए पिछले दो श्लोक के पहले प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अगर कोई मंत्र भी पाएगा, ज्ञान भी पाएगा, परंपरा में नहीं पाएगा, विफलम अथ, इसका मतलब है उसका प्रयास विफल रहेगा. देर इज नो यूज इन थियोरीज. तो इसलिए अपना खुद का मत लगाने की जरूरत नहीं है. नॉलेज मस्ट बी फैक्चुअल, ज्ञान मतलब सत्य. कोई बोलेगा शायद ये होगा, शायद वो होगा, वो ज्ञान नहीं है. देर आर मेनी थिंग्स दैट आर कॉम्प्लिकेटेड एंड वन कैन नॉट अंडरस्टैंड देम अनलेस दे आर एक्सप्लेन्ड बाय वन हु नोज. इसलिए वेद में बहुत कुछ चीज है जो समझने के लिए कठिन है. कौन समझ सकता है? जो जानता है, परंपरा में पढ़ के आया है, वही जान सकता है. द वैदिक नॉलेज इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू नो एंड वन मस्ट बी लर्नड बाई द अबव सिस्टम, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल अंडरस्टूड. तो इसलिए वेद का ज्ञान इतना आसान नहीं है. गीता भागवत का ज्ञान दिखता है सरल, पर इसके पीछे तत्व है, सार समझना इतना आसान नहीं है. इसलिए सार ग्राही जो वैष्णव है, जो परमहंस वैष्णव है, उनके मुख से सुनेंगे तभी ये ज्ञान समझ में आएगा. सुखदेव गोस्वामी therefore prayed for the mercy of the Lord so that he might be able to repeat the very same message that was spoken directly by the Lord to Brahma and what was directly spoken by Brahma to Narada. तो सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि मैं as it is बोलूं, मैं मिलावट न करूं, क्योंकि ये बद्ध जीव का बहुत एक बहुत बड़ा एक अनर्थ है
अपना खुद का मत डालने का। तो सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि आप मुझे बुद्धि दीजिए ताकि मैं परंपरा में रह सकूं, सो दैट आई कैन रिमेन लॉयल टू द परंपरा, क्योंकि परंपरा के साथ हम जुड़ेंगे, वही ज्ञान देंगे, तभी लोगों का परिवर्तन होगा। श्रील प्रभुपाद भगवद्गीता एज इट इज जशी है तशी के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद बताते हैं, वो भगवद्गीता लिखने से पहले बहुत सारे लोगों ने गीता लिखा है और बहुत सारे लोग प्रभुपाद को पूछते थे आप और गीता क्यों लिख रहे हैं, इतने गीता ऑलरेडी है। प्रभुपाद बोले मैं गीता लिख रहा हूँ क्योंकि ये परंपरा का गीता है, गीता एज इट इज, और इसलिए प्रभुपाद का गीता पढ़ के इतने लोगों का परिवर्तन हुआ है क्योंकि वो जो शक्ति है भगवान का उसमें प्रिजर्वड है। Therefore, the statements of creation explained by Shukadeva Goswami are not at all, as the mundaners suggest, theoretical but are perfectly correct. इसलिए Shukadeva Goswami जो अभी उत्तर दे रहे हैं, भागवतम बता रहे हैं, ये जैसे भौतिकवादी लोग बोलते हैं इसमें भी दोष है, नहीं इसमें दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? क्योंकि परंपरा से आए हैं। जैसे भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारद ने व्यास को बताया, एज इट इज वैसे ही सुखदेव गोस्वामी अभी परीक्षित को बता रहे हैं। वन हू हियर्स द मैसेज एंड ट्राइज टू असिमुलेट देम गेट्स इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ मटीरियल क्रिएशन। तो इसलिए जो ये ज्ञान सुनता है और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है उसको परफेक्ट ज्ञान मिलता है आध्यात्मिक जगत का, और अभी अगले अध्याय से ये भौतिक जगत के सृष्टि का भी। तो इस तरह से ये अध्याय समाप्त होता है। सुखदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं भगवान को और अगले अध्याय से एक्चुअली प्रश्न का उत्तर देना शुरू करेंगे कि सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।